भाई साहब ये वाला झूला देखो यार, क्या ही कमाल का लग रहा है। आ जाओ जी चेक करें, आ जाओ बेटा चेक कर। अभी क्या है, ये बच्चों को देने हैं तो थोड़ा सा मसाला जो है थोड़ा कम रखा हुआ है। हम दोनों निकल गए जी लंगर की तलाश में, बहुत भीड़ है भाई। और ये देखो जी अब गुरुद्वारा, पंकज एक फोटो खींचने दे यार। हाँ जी गुड मॉर्निंग जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए जी। आज है जी अपना फैट टू फिट की जर्नी का जी डे 71। डे 61 में हमने करा था जी अपना वजन चेक, और उस दिन था जी अपना वजन 114 किलो 100 ग्राम। और आज चेक करेंगे पूरे 10 दिन बाद कि अपना वजन कितना हो गया है। ठीक है चलो ना, पकड़ फ़ोन, खड़े होते हैं इस पर और चेक करते हैं। ज़्यादा बातें नहीं, सीधा रिजल्ट दिखाते बेटा। और थोड़ा पीछे चले जा, और ठीक है आ रहा पूरा वेट मशीन नज़र आ रही है, तो फिर थोड़ा और पीछे हो जा। अब आ रही है, थोड़ा सा इधर कर दूं। चलो आ जाओ जी चेक करें, आ जाओ बेटा चेक कर। सीधा नीचे चली जा, बिल्कुल नीचे। 112 किलो 300 ग्राम। ओ भाई साहब, ओए तूने अंदाज़ा लगाया था तकरीबन 1.5 किलो कम होगा, ये तो उससे ज़्यादा हो गया। ये कितना हो गया, 1 किलो 800 ग्राम है ना। बाकी कैलकुलेट कर लेंगे जी। और अपना टोटल मेरे ख्याल से कम हो गया, पूरे 10 किलो तो पार कर गया हूँ। मतलब अपना देखो 122 किलो 500 ग्राम से जो है ना जी वजन शुरू हुआ था, और आज है 112 किलो 300 ग्राम, तो 10 किलो 200 ग्राम जी अपना जो है ना 70 दिन में वजन कम हो गया है। मुझे तो भाई बहुत अच्छे लग रहा है कि बहुत अच्छे इम्प्रूवमेंट लग रही है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ, मेरे को तो लग रहा है आज पार्टी करनी पड़ेगी। तेरे को क्या लगता है, सही किया कि नहीं किया पापा ने? हैं, तेरे को लग रहा था कि 1.5 किलो कम होगा, लेकिन आज कम हुआ है 1 किलो 800 ग्राम कम हुआ है। ठीक है सही जा रहे पापा? सही, पहले से पतले लग रहे हैं। हाँ ठीक है। चलो जी आज है जी कंजकें, तो बच्चों की कंजकें कुछ तो घर पे आनी शुरू भी हो गई हैं। और अभी एक दो लोग जो हैं, वैसे तो अब नोना धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है, छोटी थी तो मैं इसको ले लेके घूमता था, जो जो हमारे पड़ोस में हमें बुलाने आते थे। आज भी एक दो लोगों ने बुला रखा है, वहाँ जाने लगे हैं। और आज खाएंगे क्या कहते हैं, हलवा पूड़ी और काले छोले। मैं और वेदांत निकल गए हैं जी घर से ज़रा कुछ और बच्चों के लिए छोटे छोटे आइटम्स लेने के लिए। बाकी मैं नहा धो के जी तैयार हो गया हूँ, वेदांत भी कपड़े कुपड़े बदल के बिल्कुल तैयार हुआ हुआ है। नहाया नहीं है हमारा सोना काका, कहता है जी आज नहीं नहाना। लो जी सारा प्रसाद सब कुछ तैयार हो गया जी। हलवा अभी ज़रा काफ़ी गर्म है, ये जैसे जैसे ठंडा होगा और गाढ़ा होता चला जाएगा। इसको ढक देते हैं। साथ में जी हमने बनाए हैं जी ये मसाले वाले छोले। अभी इनमें मसाला कम है, लेकिन बाद में जो है ना और ज़्यादा अच्छे से और मसालेदार बना देंगे, क्योंकि अभी क्या है ये बच्चों को देने हैं तो थोड़ा सा मसाला जो है थोड़ा कम रखा हुआ है। ठीक है। और जी साथ में जी ये हमने तैयार कर दिया है, बीच में जोत रखी हुई है, अभी ये जलाएंगे। ठीक है जी, और पूजा करने के बाद बच्चों को देंगे जी। तो जी इस बार बच्चों को जी कुछ हम इस तरीके से दे रहे हैं जी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और नोना जी खुश है कि नहीं है? हैप्पी। लो जी अपना नाश्ता प्रसाद जो आपको कहना है जी वो आ गया है जी। 2 पूड़ी ले ली है, बाकी जो है ना और नहीं खाऊँगा, क्योंकि अभी आज कहीं पे लंगर जो होगा वो भी ट्राई करेंगे, आलू पूड़ी वाला जो होता है। और इसको जी फर्स्ट क्लास जो है ना टेस्ट करते हैं, थोड़े से लगाते हैं जी इसमें ये छोले, थोड़ा सा लगाते हैं, मिक्स करते हैं हलवा। पूड़ी मम्मा एकदम पतली पतली बनाई है, फर्स्ट क्लास, मज़ा आ गया। छोलों में थोड़ा सा मसाला तेज करना पड़ेगा। पहले टेस्ट नहीं करना होता ना प्रसाद को, पहले टेस्ट नहीं करते, जो डल गया डल गया। हाँ हाँ पता है माँ, लेकिन अब तेज कर लेंगे। लो जी अभी 12 बजे का टाइम हुआ जी, और मैं और मेरा फ्रेंड जो है ना जी हम दोनों निकल गए हैं। वो अपनी स्कूटी पे, मैं अपनी स्कूटी पे हूँ। हम दोनों निकल गए हैं जी लंगर की तलाश में। आज आलू पूड़ी का लंगर खाना है। अभी 2 जगह गए हैं, वहाँ तो अभी शुरू नहीं हुआ। तीसरी जगह एक जगह हमें और पता है, वहाँ जाके देख रहे हैं।
नहीं तो फिर बाद में फिर जाएंगे, एक्चुअली बाद में ना कुछ काम है, और उसके बाद अगर यहाँ पे भी नहीं शुरू हुआ होगा तो अभी भी नहीं लग रहा यहाँ पर भी, इसके बाद यार हम बिज़ी हो जाएंगे, फिर कल देखेंगे, कल किस्मत में हुआ तो कल खाएंगे। लो जी 7:45 का टाइम हो गया जी, और मैं आ गया हूँ जी अब जिम में यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए। अभी अपने पास पूरा 1 घंटा है, हमने अभी अभी जो है ना खाना बुक किया है चटोरा पॉइंट की वीडियो के लिए, तो वो जब तक आएगा, और दूर से मंगवा रहे हैं नोएडा से, ठीक है, तो वो जैसे ही आएगा तब फिर वो वाली वीडियो बनानी। मैंने कहा चलो आज और तो कुछ किया नहीं, क्योंकि सुबह जो बिज़ी हुआ हूँ उसके बाद अब जाके फुर्सत मिली है, तो अभी जिम भी करना है, फिर वो वीडियो बनानी है, उसके बाद साइकिलिंग और सैर, ये तीनों काम अभी अपने आज के पेंडिंग है, ठीक है। तो फटाफट जो है ना सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करते हैं। जबरदस्त एक्सरसाइज हुई है भाई आज भी जो है ना, मजा आ गया। चले भाई, ओके बाय। हेलो कर दे, हेलो हेलो, पूछ कैसे हो, कैसे हो, मैं ठीक हूं, तू ठीक है? हाँ ठीक है। अपना जी हो गया बहुत तगड़े वाला पोपट, जहाँ से हमने खाना बुक किया था वहाँ का ऑर्डर स्विगी ने क्या वो ढाबे वाले ने कैंसिल कर दिया जी। अब नई जगह से हमने खाना मंगवाया है, अब वो 60-65 मिनट फिर वो मतलब 1 घंटे का टाइम वो भी दिखा रहे हैं। हाँ जाओ। और अपने हो गए जी एक साथ दो दो पोपट, पहला वाला खाना जिससे हमने ऑर्डर किया था वो खाना उस ढाबे ने कैंसिल कर दिया जी, अब दूसरी जगह से ऑर्डर किया है। जैसे ही दूसरी जगह से ऑर्डर किया और एक और पोपट तगड़े वाला हो गया, वो ये चांदनी चौक से कुछ सामान ऑर्डर के थ्रू जो है बुक कर रखा था और वो भी नहीं आ पा रहा। अब वीडियो बनाएंगे और उसके बाद जो है जी इस टाइम चांदनी चौक जाऊँगा, वहाँ पर जिनसे सामान ले रखा है वो वहीं पे जो है ना अपनी शॉप के पास में कोई गार्ड है उनको दे जाएंगे, तो जाकर वो सामान लेकर आना पड़ेगा क्योंकि अर्जेंट है बहुत ज़्यादा। टाइम हो रहा है जी 10:07 और अपनी वीडियो अब कम्प्लीट हो गई है और अब निकल गए हैं जी हम चांदनी चौक के लिए। अभी 40 मिनट दिखा रहा है गूगल मैप की, अभी भी लग जाएगा इस टाइम पर भी, तो 40 मिनट जाने के 40 मिनट वापस आने के लिए, ठीक है चलते हैं फटाफट। बाकी एक बात है पंकज, हैं ये वैसे इतनी ज़्यादा रोशनी हो या ना हो, ये फ़ोन में बड़ी कमाल की नज़र आती है, ज़्यादा क्लियर नज़र आ रहा है ना। चलो जी चलते हैं फटाफट। भाई इस जगह पे हमेशा जो है ना रौनक ही रौनक देखी है और पहली बार जो है ना मैंने इतना सुनसान एरिया देख रहा हूँ, और लेकिन इतने आराम से हम निकल पा रहे हैं पंकज, ये भी बड़ी बात है। और ये भी हमें पहली बार पता चला कि रात को खुल जाता है। हाँ ये भी हमें पहली बार ही पता चला है। लो जी शीशगंज गुरुद्वारा देख लो जी, और क्या ही इस टाइम लाइटिंग से जो है ना इतना सुंदर लग रहा है, और इस टाइम पे स्कूटियाँ वगैरह देख बाहर ही लगी हुई हैं और लाइटिंग तो यार नेक्स्ट लेवल भाई। इस टाइम रौनक बल्कि और ज़्यादा है और इस टाइम तो मज़ा आ गया देख के, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। यहाँ से यू टर्न ले ले बस, ये रहा यहाँ से यू टर्न ले ले, ये ओ सामने डोसे वाले में भीड़ कितनी है इस टाइम पर भी। सही है भाई, और वो सॉफ्टी बॉय की तो हमने वीडियो बनाई थी, बहुत भीड़ है भाई। और ये देखो जी अब गुरुद्वारा, पंकज एक फ़ोटो खींचने दे यार, ये टाइम है भाई बढ़िया। और ये देखो जी सारे अंग्रेज फोटो खींच रहे गुरुद्वारे की। भाई सुबह 9 बजे से लेके रात 9 बजे तक यहाँ पर ये एंट्री बंद रहती है, उसके बाद जी ये एंट्री खुल जाती है, ये देख सकते हो जी आप 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक। सामने है जी लाल किला, आप देखो क्या ही लाइटिंग है भाई यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। और ये गेट इस टाइम पे खुले हुए हैं जी, अब चलते हैं यहाँ से घर को निकलते हैं जी। भाई साहब रौनक जो है ना सिर्फ शीशगंज गुरुद्वारे तक नहीं है, यहाँ आगे भी जो है ना दबा के रौनक है। यहाँ पर ईद का जो है ना जी ये मेला लगा हुआ है और मेरे ख्याल से एंट्री जो है वो बिल्कुल फ्री है, तो थोड़े से मैं आपको जो है ना झूले वूले फटाफट दिखा कर आता हूँ। जो लाइटिंग वगैरह रोशनी भाई मैं देख के हैरान हो गया। भाई साहब ये वाला झूला देखो यार, क्या ही कमाल का लग रहा है, एकदम कतली भाई जबरदस्त, और सेफ्टी भी लग रही है क्योंकि पूरा ग्रिल बनी हुई है ना सामने,
यार ये करने का मन कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ पंकज को अंदर बुलाता हूँ और उसको कहता हूँ कि ये वाला झूला जो है ना कर कर ही चलते हैं। और अंदर तो भाई साहब मैं कह रहा हूँ जी दबा के रौनक है, इस टाइम पे भी रात के 11 बज रहे हैं जी और पूरा मेला जो है ना दबा के भरा हुआ है। ये वाला झूला अगर पंकज मानता है तो करके जाएंगे भाई। हम जा रहे हैं जी घर क्योंकि अपने पास सामान भी है और फिर घर से जो है ना फ़ोन भी आ गया कि जल्द से जल्द घर वापस आओ।